हरे कृष्णा हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल हम लोग आगे आ जाए हरे कृष्णा Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare आगे आ जागे पूरे चलो इधर आ जाओ तो बीच में बैठ के सब जगह कर लिए एक साइड हो जाओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 इधर आ जाओ हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे नितई गौर हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे बोल ईसो बाद में बोलोगे थोड़े कल क्यों बोलोगे कल कभी आता है माने चिराग है पीछे चिराग को हाथ कर ओ हाथ खड़ा कर दे आ जा चिराग आ जा उसको बाद में राहुल राधा रमन चिराग आ जा इधर आ
मैं हाथ में पकड़ू ना ना गले में नहीं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। देहं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरञ्चिनुतं शरण्यं रित्तार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्ति वेदांत श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में बार बार प्रणिपात करता हूँ, दंडवत करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। श्रीमद चैतन्य महाप्रभु सहित समस्त गौर परिकर एवं मेरी समस्त गुरु परंपरा सदा जययुक्त हो एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियां सभी को यथा योग्य दंडवत अर्पण करता हूँ। हरे कृष्णा। हमारा बहुत सौभाग्य है आज जो भगवान दिव्य अखिल गुणगण निलय भगवान ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय निखिल हेय प्रत्यनीक अखिल गुणगण निलय भगवान श्री गोवर्धन के दिव्य तलहेटी में बैठ करके श्री भागवत कथा रस चर्चा अथवा श्रीमद श्री भगवत चर्चा का सौभाग्य हम लोग आप सभी लोग प्राप्त कर रहे हैं। अभी गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि भगवान के दिव्य चरित्र पे कुछ कहा जाए। यद्यपि वाणी तो नहीं समर्थ रखती पर इन्हीं का ही पढ़ाया हुआ इन्हीं का ही प्रदान किया हुआ परमोत्कृष्ट ज्ञान उसी से ही सेवा करने का प्रयास करूंगा। देखिए गोवर्धन शब्द का अर्थ है विभिन्न विभिन्न तरीके से विभिन्न विभिन्न आचार्यों ने श्री गोवर्धन का अर्थ किया है। गोवर्धन शब्द का अर्थ है गो का अर्थ है इंद्रिय, गो का अर्थ है गाय, गो का अर्थ है वर्धन। इसलिए गोवर्धन शब्द का श्री जीव गोस्वामी पाद अर्थ कर रहे हैं। गोवर्धन के दो अर्थ जीव गोस्वामी पाद ने किए। उन्होंने कहा है एक गोवर्धन शब्द का अर्थ है गो यानी गाय, गोश्च गौः, उसके बाद वर्धनम तद वर्धनम संख्या येन वर्धनम तिष्ठति तेनः कारणे यत प्रोक्तम इति गोवर्धन इति व्याख्यानम्। जिधर जिस क्षेत्र में गाय श्री कृष्ण प्रेम में रंभाती हैं उस क्षेत्र को गोवर्धन कहते हैं। ये भी जीव गोस्वामी कह रहे हैं। अब आप देखिए जीव गोस्वामी पाद ने एक और बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है श्री भगवान ने गोवर्धन उठाया उसका कारण क्या है। साधारण कारण तो यही है इंद्र का मान भंग करने के लिए इत्यादि इत्यादि जो कि हम लोग गुरुदेव से साप्ताहिक में सुनते हैं सप्ताह कथा में सुनते हैं। एक तो वो कारण है। दूसरा कारण श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि जब श्री गोविंद चंद्रावली के साथ विहार करते हैं तो जब विहार करते हैं तो गोवर्धन के दिव्य क्षेत्र में श्री चंद्रावली के साथ विहार करते हुए एक समय में श्री राधा रानी को विरह ताप श्री गोविंद का होता है तब श्री राधा रानी सोचती है कि गोविंद कहाँ है गोविंद कहाँ है। तो जैसे ही स्मृति श्री गोविंद को होती है कि श्री जी मुझको स्मरण कर रही हैं वो मान ना कर दे और मान करते ही वे मुझसे कुछ क्षणों के लिए मुझसे दूर ना हो जाए तो वो क्या करते हैं जहां गोवर्धन के क्षेत्र में श्री
श्री कृष्ण चंद्रावली के साथ चरण चापन किया है, जहां चरण का विन्यास किया है, उसी क्षेत्र में साक्षात इंद्र को आदेश देते हैं कि जो चरण चिन्ह प्रकट हुए हैं यहां पर मेरे और चंद्रावली के, तुम ऐसा घनघोर वर्षा से दिव्य ऐसा आच्छादित वर्षा करो कि इससे ये चरण चिन्ह स्थगित हो जाए, मिट जाए। इस कारण से एक कारण ये भी है इंद्र के वर्षा करने का, ये भी जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है। दूसरी बात, गोवर्धन क्षेत्र अति पावन क्षेत्र है, भगवान ने दिव्य अपनी कला से, अपनी दिव्य दिव्य लीला से भगवान ने अन्य अन्य प्रकार के वहां पे चरित्र किए हैं। देखिए जीव की शोभा क्या है, उपनिषद में लिखा है केयूरानि न भूषयन्ति पुरुषः हारो न चंद्रोज्वला न स्नानम न विलेपनम न तिलकम न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम मालंकृतम मूर्धनिम वाणी कह शमलम करोति पुरुषः यह संस्कृतम धार्यते क्षीरन्ते खलु भूषणानि सततम वागभूषणम भूषणम वागभूषणम भूषणम भूषणम वागः कस्य। श्री कृष्ण चरित्र श्री कृष्ण लीला श्री कृष्ण व्याख्यानाम कथयति वागभूषणम भूषणम इति भूषणम प्रोक्तम। जीव के मुख की शोभा कब है, जब भगवान के दिव्य चरित्रों को कहे। जीव के करण की शोभा कब है, जब भगवान के दिव्य चरित्रों को सुने। जीव के कंठ की शोभा कब है, जब उस पे आपोलित तुलसी का दर्शन करके सामने वाला दर्शन कर ले कि ये वैष्णव चला आ रहा है। इस कारण से वाणी कह शमलम करोति पुरुषः यह संस्कृतम धार्यते क्षीरन्ते खलु भूषणानि सततम वागभूषणम भूषणम। इस कारण से, और हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि गोवर्धन में रहकर के सेवा प्रधान होना, होकर के रहना उत्तम निवास है गोवर्धन का। क्योंकि आप देखिए शुरू से, जब से सृष्टि हुई है, जब से सृष्टि की रचना हुई है, तब से ही सेवा करने पर ही श्री जी और श्री ठाकुर जी की कृपा हुई है। आप कहेंगे कैसे, तो आप दर्शन कीजिएगा, सनकादिक स्वयं भगवान की ही विभूति है। सनकादिक जो है, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार स्वयं भगवान की ही विभूति है। भगवान के 24 अवतारों का स्मरण कीजिए, उसमें भगवान का ही अवतार है। जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलि वामन परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन बुद्ध कल्कि अरु व्यास प्रथु हरि हंस मनवंतर यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव वर देन धनवंतर बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक सनकादिक करुणा करो 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उरुपद धरो। ये जो 24 अवतार हैं उसमें से एक अवतार भगवान की विभूति स्वयं श्री सनातन सनत कुमार सनंदन, ये चारों हैं। तो सबसे पहले इनको प्रसन्न करने के लिए, इसीलिए गोवर्धन में रहनी कैसी होनी चाहिए, सेवा प्रद रहनी होनी चाहिए। देखिए शंकर जी भगवान के अतिशय भक्त हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु। तो शंकर जी कैसे रहते हैं, शंकर जी ने क्या किया है, हमारे गुरु महाराज बहुत अच्छा बोलते थे, बोले शिव जो है पहले शव थे, लेकिन शव में इकार लगा दिया, ई की मात्रा लगा दी, ई की मात्रा लगाते ही शव शिव हो गया। तो बोले ये इकार क्या है, बोले इकारो प्रकृति राधा महाभाव स्वरूपिणी, श्री राधा रानी की कृपा ही इकारो प्रकृति राधा है। ककारो नायिका कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह इकारो प्रकृति राधा महाभाव स्वरूपिणी, ये इकार क्या है, ये साक्षात श्री जी की करुणा है। तो श्री जी की करुणा शंकर जी को कहां से प्राप्त हुई, जब शंकर जी ने सनकादिकों की सेवा करी है। इसलिए भगवत सेवा का गोवर्धन में रहनी बता रहा हूं आपको, भगवत सेवा भक्तों की सेवा ये एसेंशियल पार्ट है वे ऑफ लिविंग इन द गोवर्धन। इसीलिए पहले शंकर जी ने सनकादिकों को प्रसन्न किया है। कैसे, सनकादिकों ने कहा कि आप हमें प्रसन्न करना चाहते हैं तो पहले हमें भगवान की कथा कहने के लिए शब्द दे दीजिए, शब्द दे दीजिए, ताकि हम भगवान की मधुर मधुर कथा को कह सके। तो शंकर जी ने क्या किया, शंकर जी ने अपना डमरू बजाया, शंकर जी ने 14 बार डमरू बजाया। रित्तावसाने नटराज राजो ननात ढक्काम नव पंचवारम उद्धर तु काम सनकादि सिद्धान एतत विमर्शे शिव सूत्र जालम। 14 बार डमरू बजाया, नव पंचवारम, 9 5 14 होते हैं,
जब 14 बार डमरू बजाया तो 14 बार डमरू में से पाणिनि की पाणि ने उसी 14 बार के डमरू से 14 सूत्र निकाले। अयोण रिलरिक एयोण अयोच है बरट अयण घन मन खप छटत छटत खप ससर हल। ये 14 सूत्र निकाले। ये जब 14 सूत्र निकाले तो साक्षात सनक सनंदन सनातन और संत कुमार ने इनको अपने हाथ से प्रक्षालित करते हुए कहा, इनसे ही श्रीमद भागवत जी को हम लोग कहेंगे, इनसे ही श्री कृष्ण कथा को हम लोग कहेंगे। यही सेवा हुई है शंकर जी की। तब जाकर के इकारो प्रकृति राधा महाभाव स्वरूपिणी, तब जाकर के श्री जी की कृपा उन पर हुई है। इस कारण से ही वैष्णवा नाम यथा शंभो हो। इसीलिए लग रही आस करूं ब्रिजवास तलहटी गोवर्धन की मैं, लग रही आस करूं ब्रिजवास तलहटी गोवर्धन की मैं, हाँ गोवर्धन की मैं तलहटी गोवर्धन की मैं, लग रही आस करूं ब्रिजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। इस कारण से पुण्य क्षेत्र श्री गिरिराज जी, ये साक्षात भगवान ही है, हरिदास वर्य श्री गिरिराज जी, इसमें रहना कैसे है? भगवत सेवा पारायण परायण होकर के ही इसमें निवास करना चाहिए। तभी श्री भगवान की पूर्णतः कृपा, संतों की पूर्णतः कृपा, गुरुदेव की पूर्णतः कृपा हम लोगों को प्राप्त हो गई होगी। इन्हीं सभी शब्दों के साथ वांछा कल्पतरुवश्च कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गिरिराज महाराज की जय। छोड़ दिया मेरे पे। अच्छा ठीक है। गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम अपने मध्य गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री कृष्ण भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के भय चरणारविंद में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, तत्पश्चात संपूर्ण रूपानु गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव वृंद मातृ वृंद हरि कथा पिपासु सबको मेरे यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। श्री गोवर्धन वास के विषय में रहने की चर्चा पूर्व वक्ता ने कही। इस गोवर्धन में वास करने के लिए जो मूल रहनी है, रहनी माने जिस प्रकार का यहाँ पर वास की शैली होनी चाहिए, उसका प्राण बताया गया सेवा। श्री शंकर जी ने जब श्री राधा रानी के 1008 नाम व्यक्त किए, उन सहस्त्र नाम में भी श्री राधा रानी का एक नाम बताया गया, क्या? सेवा। सेवा उनका एक नाम है। अब यह सेवा किस प्रकार से की जाती है, इसी का ही आदर्श हमारे आचार्य जो है वह हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। देखिए, साधक के चित्त पर, अभी कुछ दिन पहले हमारे श्री भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी का तिरुभाव दिवस था और उस तिथि पर उनके कुछ विचारों को सुनने का और श्रवण करने का जब अवसर प्राप्त हुआ, उन्होंने एक विशेष बात कही जो साधक पक्ष के लिए अत्यंत उपयोगी है कि जितने भी साधक पक्ष के लोग हैं जो साधन कर रहे हैं, वह सब के सब अपने गुरुपाद पद्म की अहेतु की कृपा की कथा का निरंतर स्मरण अपने चित्त में करेंगे। हमारे गुरुपाद पद्म ने हम पर अहेतु की कृपा की है या अन्य किसी पर अहेतु की कृपा की है, ऐसी अहेतु की कृपा की कथा ही साधकों के चित्त की वास्तविक संपत्ति है। हमारा चित्त जो है उसकी वास्तविक संपत्ति क्या है? श्री भगवान और श्री गुरु द्वारा की गई अहेतु की कृपा की कथा का पुनः पुनः उसका श्रवण करना, पुनः पुनः उसका मंथन करना।
कुछ दिन पहले हमारे नित्य लीला प्रविष्ट भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का भी तिरुभाव दिवस था। विशेष करके उन्हीं के माध्यम से ही सारे के सारे विश्व ब्रह्मांड को श्री कृष्ण भावना व्रत का एक आधार जो है प्राप्त हुआ। वो स्वामी महाराज जी एक बात कहा करते थे, एक समय वह विदेश में थे और उस समय जब विदेश में वह अपने शिष्यों के साथ कुछ वार्तालाप कर रहे थे तो शिष्यों के साथ वार्तालाप करते 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 उनके एक शिष्य ने उनसे कहा कि गुरु महाराज, कृष्ण भक्ति में हजारों हजारों लोग आते हैं, हजारों लोग दीक्षित भी होते हैं, अनेकों वर्षों तक साधन का पालन भी करते हैं, लेकिन ये क्यों देखा जाता है कि हजारों लोग कृष्ण भक्ति में आने के पश्चात भी कुछ समय बाद मार्ग छोड़ करके पुनः माया के संसार में प्रवेश कर जाते हैं, उनका सारा साधन विहीन हो जाता है। तो बोला यह जो बात है बड़ी आश्चर्यमयी बात है, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि कृष्ण भक्ति के निकट आने के पश्चात भी फिर क्या होता है, सब साधन छोड़ देते हैं, गुरु वैष्णव संघ छोड़ देते हैं, ऐसा देखा जाता है। तो उन्होंने एक बात कही, इस बात से आश्चर्य मत हो कि कितने लोग भक्ति में आए और छोड़ करके चले गए, इस बात से आश्चर्य हो कि जो आए और अभी तक टिके हुए हैं, जो अभी तक इस भक्ति में टिके हुए हैं ना, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। और ये आश्चर्य केवल और केवल साधुओं के अनुग्रह के माध्यम से ही प्राप्त होता है, इसका अन्य कोई दूसरा साधन जो है वह नहीं है। गुरुपाद पद्म की भजन स्थली पे हम बैठे हैं, ये जिस स्थली पे हम लोग बैठे हैं, इस स्थली पर गुरुपाद पद्म ने गोस्वामी वर्ग की तरह भजन किया, इसका श्रवण आपने किया होगा। किस प्रकार गुरुपाद पद्म इस स्थान पर रह करके कैसा भजन करते थे, उस समय ग्रंथों की उपलब्धि नहीं होती थी। जब ग्रंथों की उपलब्धि नहीं होती थी तो ग्रंथों का बहुत मूल्य था। आज ग्रंथों की सतत उपलब्धि है लेकिन श्रोता और पढ़ने वालों की संख्या बहुत न्यून है। अपना मत मतांतर कहने वाले बहुत से हैं, अपने मन की बात कहने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे, लेकिन गुरुपाद पद्म के शब्दों को पढ़ करके उसका मंथन करने वाले लोगों का भी सर्वथा अभाव देखा जाता है। गुरुजी ने यहाँ पर जिस प्रकार का भजन किया था, जिस प्रकार उन्होंने श्री कविराज गोस्वामी के जितने ग्रंथ थे उसका आश्रय लिया, और जब उनके मन में श्री उज्ज्वल नीलमणि इत्यादि पढ़ने का भाव उदय हुआ तो उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी से आग्रह किया कि क्या आप उन ग्रंथों की उपलब्धि हमें करा सकते हैं। तो उन्होंने बड़ी ही मुश्किल से कलकत्ता से जा करके उन सब ग्रंथों को उपलब्ध कराया। आज वह ग्रंथ हमारे सामने होते हुए पर भी हम उसको खोलने तक का प्रयास जो है वह नहीं करते। ये बहुत ही दुर्दांत, बहुत ही दुर्देव समाचार है हमारे लिए। गुरुदेव, यहाँ पर वास्तविक रूप में हम श्री गुरु दर्शन किस प्रकार से कर पाएंगे? बिना श्री गुरु दर्शन किए श्री राधा कृष्ण दर्शन केवल और केवल गगन में केवल पुष्प के समान है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो गुरुपाद पद्म की सेवा करने की भावना ही तब उदय होगी जब हमारा गुरुपाद पद्म से परिचय होगा, जब हम जानेंगे कि वास्तविक रूप में जगत में कौन सी संपत्ति वह हमें देने आए थे, कौन सी संपत्ति गुरुपाद हमें देने आए थे। इसी गोवर्धन में जब वास करते थे, एक समय वह जब परिक्रमा के लिए गए, और ये स्थान ऐसा नहीं था, आज हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर, उस समय यहाँ पर सिर्फ कीचड़ होता था। इस मार्ग पर दिन के समय भी कोई व्यक्ति नहीं आया करता था, रात्रि को तो भूल ही जाइए। आज हम यहाँ पर बैठ करके हरि कथा कह रहे हैं, सुन रहे हैं, इसके मूल में केवल और केवल गुरुपाद पद्म की अनुकंपा ही छिपी हुई है। वो गुरुजी का प्रताप है, वो गुरुजी का वैभव जो है वही ही हमें आकर्षण करके ला रहा है। चुंबकीय आकर्षण है हमारे गुरुपाद पद्म का, कि विश्व के लोग जिनसे भी उनकी कथा सुनते हैं उनके प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षित जो हो जाते हैं। इस स्थान पर जब भजन किया करते थे, एक समय परिक्रमा करते 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 उनको मार्ग में दो छोटे बालक, एक बालिका और एक बालक का दर्शन हुआ, छोटे बालक बालिका का दर्शन हुआ। वो छोटे बालक बालिका क्या थे? उन्होंने कहा, बाबा आपके पास कुछ खाने का है? गुरुदेव ने कहा, खाने का तो हमारे पास नहीं है। उनकी मधुर वाणी से गुरुपाद पद्म विशेष आकर्षित हुए, जैसे माधवेंद्रपुरी पाद के निकट श्री कृष्ण आए और माधवेंद्रपुरी पाद उस वार्ता को सुन करके, कृष्ण के उन सुमधुर वचनों को सुन करके विशेष जो है आकर्षित हुए थे, उसी प्रकार ही गुरुदेव भी उन छोटे बालक बालिका की बात को सुन के आकर्षित हुए, लेकिन अपनी परिक्रमा चलते रहे। परिक्रमा चलते 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 फिर वही दो बालक बालिका फिर गुरुपाद पद्म को फिर दर्शन दिया, और उस समय ठंड में, उनको ठंड बहुत लग रही थी, तो गुरुदेव को बोला
कि आपके पास कुछ वस्त्र हैं? बोले वस्त्र नहीं है। तो गुरुदेव को दो बार दर्शन हुआ ऐसा, रात्रि में आकर के जब सोए तो वो दो बालक बालिका और कोई नहीं, हमारे मथुरा मठ के श्री राधा विनोदी लाली थे। राधा विनोद बिहारी लाली उनके निकट आए थे कि आप मथुरा मठ को किसी कारणवश थोड़ी देर के लिए दूर आए, यहाँ एकांत में भजन कर रहे हैं, लेकिन हम आपके वहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे श्री माधवेंद्रपुरी पाद के निकट कविराज गोस्वामी ने क्या कहा, कबे माधव आसी करीबे सेवन, अरे मैं तो गिरिराज की कंदराओं के बीच में रह रहा हूँ। श्रीनाथ जी के गोपाल जी कह रहे हैं अनेका अनेक बड़े बड़े साधु आए, बड़े बड़े सेठ इत्यादि भी आए, लेकिन उनकी सेवा मैं ग्रहण नहीं की, मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि अयाचक वृत्ति का, नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुण वित्तय, ऐसा कोई अकिंचन वृत्ति का साधु जब आएगा उसकी सेवा ग्रहण करने के लिए मैं जो है दीर्घ काल से आपकी जो है प्रतीक्षा कर रहा था। ये जो विग्रह है ना, ये विग्रह कोई सामान्य वस्तु नहीं है, एक सर्वानुग्रह कारक विग्रह होता है, एक भक्तानुग्रह कारक विग्रह होता है। सर्वानुग्रह कारक विग्रह का अर्थ क्या है, सबके समक्ष श्री कृष्ण जो है विग्रह रूप में उपस्थित हैं, लेकिन वार्ता नहीं करते हैं, बात नहीं कहते हैं, इसलिए भगवान का एक नाम बोल दिया मुकेश, जो कि मूक ईश है, कहता नहीं कोई बात। तो इसी ही स्थान पर, इसी ही गिरिराज की तलहटी पर ये सर्व अनुग्रह कारक और भक्तानुग्रह कारक का एक सुंदर उदाहरण जो है वह आपका पुष्टि मार्ग में मिलता है। पुष्टि मार्ग के ही सबसे प्रमुख कवि श्री सूरदास जी की स्थली जो है बिल्कुल पास में ही है, उनके स्थान पे आप सब लोग गए होंगे। बड़ी सुंदर घटना है, बहुत ही विशेष, बड़ी बहुत ही प्रयोजनीय बात है। हाँ जी, बड़ी ही प्रयोजनीय बात है कि वैष्णव कृपा के बिना श्री भगवान का दर्शन और श्री भगवान का स्पर्श इत्यादि प्राप्त होना कैसे नितांत असंभव है। इसी श्री गोवर्धन की स्थली पर ही एक व्यापारी जो कि अनेक प्रकार के सामान इत्यादि बेचा करता था, और सब वैष्णव जन क्या करते थे, उसी की दुकान से ही सामान लेकर के श्रीनाथ जी को अर्पित करते थे। उसने एक तरीका निकाला कि मेरा व्यापार सुष्ठु रूप से कैसे चले, कि सुबह सुबह मुझे कोई श्रीनाथ जी के श्रृंगार के विषय में कोई बता दे, तो जब मैं उस श्रृंगार को दिन रात गाऊंगा ना, तो सब लोग मेरी तरफ बहुत प्रभावित हो जाएंगे, और वैष्णव लोग अगर वैसे हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे, तो मेरी दुकान से सब सामान लेंगे। सुबह सुबह किससे पूछ लेता कि श्रीनाथ जी ने क्या पहना है, और उसी को ही सारा दिन गाते रहता। सब वैष्णव लोग कहते, अरे ये तो हम त्यागी लोगों से भी ज्यादा इसका आवेश है, कृष्ण को देखने के पश्चात कृष्ण ने क्या श्रृंगार पहना ये आधे घंटे बाद भी याद नहीं रहता है, वहां कृष्ण को देखा भूल गए क्या है, तो उसी प्रकार से उसको सारा दिन याद रहता था। तो वैष्णव लोग बड़े आकर्षित होते उसके पास, उसकी दुकान जो थी वो बहुत बढ़िया चलती थी, बहुत बढ़िया दुकान चलती। 60 वर्ष हो गए, 60 वर्ष तक वो निरंतर झूठ बोलता रहा, निरंतर कपट करता रहा, बाह्य आवेश में बातें कहता रहा, लेकिन श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए एक दिन भी नहीं गया। सूरदास जी एक दिन जा रहे थे, तो श्री सूरदास जी को कहा कि बाबा सब हमारी दुकान पर आते हैं, आप भी आइए। तो जब वो आने लगे, सूरदास जी ने कहा मैं तेरे अंदर की सारी बात जानता हूँ, पिछले 60 वर्ष से ये जो तूने वाक्य विन्यास का एक खेल रचा हुआ है ना, जो तूने सुंदर शब्दावली चुनी हुई है सबको प्रभावित करने के लिए, इसके अंतःकरण में तेरे कपट को मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ। सूरदास जी के इस वाक्य को सुन करके हतप्रद हो गया, कांपने लगा, अरे बोले आप किसी को बता मत देना, मेरा सारा व्यापार ठप हो जाएगा। बोले एक शब्द पे नहीं बताऊंगा तो मेरे साथ अभी चल श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए। फिर बोल पड़ा, अरे बाबा अभी नहीं जा सकता, अभी तो और लोगों ने आना है, सामान लेना है। 3 दिन तक आते रहे, माना नहीं। फिर सूरदास जी ने भय दिखा दिया, ये भाई अगर तू नहीं चलेगा हमारे साथ तेरा व्यापार नष्ट हो जाएगा, हाथ पकड़ के श्रीनाथ जी के पास ले गए। श्री गोपाल जी को बोला कि आप अपने भक्तानुग्रह कारक विग्रह का दर्शन कराइए, वह विग्रह जो कि वार्तालाप करता है, हमारे आचार्यों से विग्रह वार्तालाप करते थे, ये कोई सामान्य चीज नहीं है। इस चीज पे जो पुनः पुनः कहा गया कि विग्रह कौन है, साक्षात ही कृष्ण है, तो इन विग्रहों से साक्षात वार्तालाप होता है। उनकी कितनी घटनाएं हमारे गुरुपाद पद्म के जीवन में भी है, कितनी घटनाएं श्री भक्तिविनायक बामन गोस्वामी महाराज जी के जीवन को आप उठा करके देखिए, विग्रहों से कैसी अंतरंगता थी। श्री भक्ति प्रमोद पुरी महाराज जी को देखिए, कैसी विग्रहों से उनकी अंतरंगता थी। उसी ही प्रकार से ही ये विग्रह जो है साक्षात अपने शुद्ध भक्तों से वार्तालाप करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप अपना वास्तविक स्वरूप दर्शन दीजिए। श्री गोपाल जी ने कहा किसी साधक को लेकर के आए होते, उसमें कुछ दोष होते, हम दर्शन दे देते, कोई दोष नहीं था, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को लेकर के आए जो 60 वर्ष से कपट कर रहा था, इसके प्रति तो हम बिल्कुल करुणा नहीं करेंगे। सूरदास जी ने कहा देख लीजिए,
आपको सुबह उठाते भी हमें और सुलाते भी हमें। अगर आपने इनको दर्शन नहीं दिए तो दूसरा कीर्तनी आप ढूंढ लीजिएगा। श्रीनाथ जी ने बोला एक कैसी जिद है और किसके लिए जिद है, किसी वैष्णव के लिए जिद होती, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कहा होता जो कुछ साधन में है तो समझ में आता, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो 60 वर्ष से कपट कर रहा है हमारे नाम पर, उसके लिए आप ऐसा कह रहे हो? बोले हाँ, श्रीनाथ जी ने कृपा करके दर्शन दिया, वैष्णव कृतार्थ हो गया, वो व्यापारी कृतार्थ हो गया। श्रीनाथ जी ने पूछा श्री सूरदास जी से, आपने किस कारण इतना आग्रह किया, इतने आग्रह से आपने क्यों इसको लेकर के आए? सूरदास जी ने कहा, आपकी बात बिल्कुल सही है, भीतर में इसके कपट था, आपके नाम पर ये सब कर रहा था, लेकिन श्रीनाथ जी ये बात क्या कम है कि पिछले 60 वर्ष से ये आपके थली पर बैठा हुआ है, पिछले 60 वर्ष से आपके निकट बैठा हुआ है। वैष्णव लोग 100% जानते हैं हमारी मुद्रा से, ये भ्रांति नहीं करनी चाहिए कि हम वैष्णवों से कुछ छुपा सकते हैं, वास्तविक रूप में अंतर्यामी होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मदरालय से आया हो ना तो उसकी गति देख करके बता दिया जाता है वो कहाँ से आ रहा है। वैष्णव लोग पूर्ण रूप से जानते हैं कि कोई व्यक्ति मेरे पास किस प्रयोजन से आ रहा है, उसको व्यक्त नहीं करते। इसलिए हमारे श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज ने एक बात कही, इस जगत में 2 प्रकार के लोग हैं, एक चीटर और एक चीटेड, जो धोखा देते हैं और जो धोखा खाने वाले होते हैं। तो हमें ना तो धोखा देना है और ना ही धोखा खाने वाला बनना है, क्योंकि ये भक्ति का मार्ग जो है अत्यंत सरल, अत्यंत स्निग्ध है, अत्यंत सरल मार्ग है, लेकिन इस मार्ग का सबसे बड़ा भूषण क्या है? इस मार्ग का सबसे बड़ा भूषण है सदा दम्भ हित्वा रतिम अपूर्वमति तरा। ये दम्भ इत्यादि का परित्याग, ये दम्भ इत्यादि का परित्याग जब होगा तब हम पूर्ण रूप से, जब वैष्णवों के सामने अपने हृदय के प्रत्येक दोष को व्यक्त कर देंगे, एक मित्र की भांति, एक सुरत की भांति, जब हम उनके सामने किसी प्रकार की कोई बनावट नहीं करेंगे, हम जिस भी प्रकार से हैं, तब वास्तविक कृपा प्राप्त होगी। एक छोटी सी घटना कहकर के समाप्त करता हूँ। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद जी के निकट एक व्यक्ति आया, उन्होंने कहा कि हम आपकी कथा से बहुत प्रभावित हैं, हम आपसे कथा सुनना चाहते हैं। तो उन्होंने उस समय शिला प्रभुपाद जी ने उनको इंगित कर दिया किसकी ओर, चैतन्य मठ के अंदर एक व्यक्ति था जो कि पौधों को पानी देता था, वो सिर्फ पौधों को पानी देता था, उनके निकट आए और उन्होंने कहा कि आप हरी कथा हमें सुनाइए, गुरुपाद पद ने आपके पास भेजा है। तो जो सेवक था उस सेवक ने कहा, मेरा तो कोई शास्त्र में प्रवेश है नहीं, मैं शास्त्र इत्यादि जानता नहीं हूँ, लेकिन गुरु जी ने अगर आपको मेरे पास भेजा है तो कुछ विशेष होगा, बैठिए, जो मैंने उनसे श्रवण किया है केवल मैं वही ही कहूँगा। बड़ा कठिन कार्य है, बड़ा कठिन कार्य है, शास्त्र में अर्थवाद ना करना बड़ा कठिन कार्य है, माइक बुद्धि प्रवेश करके अतिशोक्ति कर देगी, माइक बुद्धि प्रवेश करके गुरु के वचन में भी जोड़ मरोड़ करके ना जाने क्या क्या बुलवा देती है, यही तो जीव का सबसे बड़ा दोष है। लेकिन उन्होंने कहा, जैसा मैंने श्री गुरु से सुना है मैं वो आपके निकट वैसे ही कहने का प्रयास करूंगा। वो बताते हुए व्यक्ति कि सुबह 11 बजे कथा शुरू हुई थी, उनके साथ बैठा था, शाम हो गई, 8 घंटे लगातार मैंने उस शुद्ध सेवक के मुख से कथा सुनी। बिना सेवा किए वाक्य विन्यास अच्छा हो सकता है, शब्दावली अच्छी हो सकती है, बिना सेवा किए प्रभावित किया जा सकता है, परिवर्तित नहीं किया जा सकता। परिवर्तित करने का सामर्थ्य केवल उसी ही व्यक्ति में है जो उस वचनों को अपने जीवन में स्वयं के लिए पालन कर रहा है। श्री भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी का सुप्रसिद्ध वाक्य है कि शास्त्र किसके लिए है, मेरे लिए है, ये शास्त्र किसके लिए है, मेरे लिए है, और अगर तुम सब मेरे हो तो ये शास्त्र तुम्हारे लिए भी है। यही है कि शास्त्र अध्ययन करना है, पढ़ना है, लिखना है, जो कुछ भी करना है वो स्वयं के शोधन के लिए करना है, स्वयं के लिए देखना है कि मेरी खुद की चित्तवृत्ति किस दिशा में जा रही है। तो पुनः पुनः वैष्णवगणों से यहाँ उपस्थित यही प्रार्थना है कि इस हृदय की पृष्ठभूमि को निर्मल होने का सबसे सरल साधन यह निष्कपटता जो है, यह जो है वह कुछ मात्रा में प्रदान करें, क्योंकि बिना निष्कपटता प्रदान किए गए वाक्य कहा जा सकता है लेकिन चित्त परिवर्तित नहीं हो सकता। यही कहकर के अपने वचनों को विराम देता हूँ। वंशा कल्पतरु भविष्य कृपा सिंधु वचन पतिता नाम पावन वैष्णव आप जो बोल रहे हो तो मैं तो ही बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ, आप तो अंदर से नहीं। महाराज जी उसने बहुत साफ बोल गया आज तो।
एक शब्द विन्यास होती है और एक होता है परिवर्तित करना, एक प्रभावित करना है। आप परिवर्तित करने वाले हैं। लगा कान में लगा भाई, कान में लगा। हरे कृष्णा। मैं महाराज जी के सामने आप लोगों से क्या बात करूंगा। वंदे हम श्री गुरु श्री युत पद कमलम श्री गुरु वैष्णवश्च श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथं विन्दं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्री विशाखा अज्ञानतिपुरंदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधिकाए प्रियात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम अवधारे माधुर्य वरम वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रभु विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। आवाज नहीं आ रही, आने भी नहीं चाहिए। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात पूजा भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हमारे पूज्य पाद विजय कृष्ण प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम। समस्त वैष्णव वैष्णियों के चरणों में यथायथ दंडवत प्रणाम। एक बार ये हटाई दो जी महाराज। बोलो बोलो। एक बार मैं अमेरिका में था, लेक्चर कर रहा था, तो एक आदमी बड़ा मस्खरा था, मस्खरा समझते हो, मेरे पास आया, प्रभु जी आप रेडियो में क्यों नहीं बोलते हो। तो मैं अमेरिका में नया नया गया था, मैंने कहा यार ये इतना प्रभावित हो गया कि चाहता है कि मैं रेडियो में बोलूं। मैंने कहा क्यों, तुमको मेरा लेक्चर इतना अच्छा लगा है? बोलता नहीं, रेडियो में बोलोगे तो फिर उसे बंद भी किया जा सकता है ना। उसको बंद भी किया जाता है, बंद भी किया जाता है, रेडियो तो बंद किया जा सकता है ना। अब यहाँ पे आप बैठे हो, बोलते जाओगे सुनना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा था आवाज नहीं आए तो अच्छा है, सुखी रहोगे। कल मैं चर्चा कर रहा था कि किस तरह से नारद जी को दान दे दिया कृष्ण, किसने? कल मैंने सत्यभामा जी ने कृष्ण को दान दे दिया, और उसको वापस कौन लौटा के लाई? रुक्मणी लगाई लाई। किस चीज से लाई? नहीं देखो, फिर गड़बड़ नहीं करना। तुलसी पत्ते के ऊपर क्या लिखा था? कृष्ण नाम लिखा था।
तो वो जब तुलसी पत्ता और कृष्ण नाम लिखा और पलड़ा खाली कर दिया तो वो पलड़ा भारी पड़ा। तो तुलसी पत्रा पत्र तुलसी जी हो गई भक्त और उसके ऊपर नाम क्या लिखा गया? कृष्ण। तो कृष्ण नाम उस कृष्ण से भी ज्यादा क्या पड़ गया? भारी पड़ गया और कृष्ण उठ गए। तो नाम की महिमा नारद जी ने बतलाई कि नाम के आगे कृष्ण भी हल्के पड़ जाते हैं। तो नारद जी बोलते हैं इस हल्के से को मैं क्या करूंगा लेके, जो एक तुलसी पत्ता से ही और उसके ऊपर कृष्ण से ही हल्का पड़ गया तो इसको ले जाके मैं क्या करूंगा, रखो इसको। और वो तुलसी पत्ता उठाया, वो उन्होंने अपनी जीभ पे रख लिया। ऐसे ही हनुमान जी जब समुन्द्र को पार करने के लिए छलांग मारे थे लंका जाने के लिए, तो उनको भगवान राम ने अपनी क्या दी थी? अंगूठी। उस अंगूठी में नाम लिखा हुआ था राम। तो हनुमान जी ने वो अंगूठी पता है कहां रखी? मुंह में डाल ली वो। तो मुंह में राम वाली अंगूठी डाली और समुंदर पार कर गए। तो जिसके मुंह में भगवान का नाम आ जाता है वो ये सब कुछ पार कर जाता है, बड़े आसानी से पार कर जाता है। अब देखो एक प्रश्न उठता है कि हम ये बातें सब सुन रहे हैं, सुनते हैं, फिर भी हमारी साधना में तीव्रता क्यों नहीं आती? कारण क्या है? साधना हमारी वीक क्यों पड़ जाती है? वास्तव में हमारे अनर्थों में एक अनर्थ है, हृदय दौर्बल्य, हृदय की दुर्बलता। और उस हृदय दुर्बलता के कारण एक रोग लग जाता है आपको, और वो रोग है आलस्य और प्रमाद का। हम जानते हैं भगवान का नाम करना चाहिए और कब करना चाहिए? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। मंदिर में जो नहीं रहते हैं उनके लिए ये बात कितनी भी कह लो, लेकिन अगर सबसे पूछा जाए तो 4 बजे उठने वाले बहुत कम दिखाई देंगे। दीक्षा भी ली ली है, सब कुछ करते हैं, लेकिन पूछा जाए ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो? हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं। कितने बजे उठ जाते हैं? 6 बजे उठ जाते हैं। उन्हें 6 बजे जल्दी लगता है क्योंकि बाकी घर वाले 8 बजे उठते हैं। बाकी लोग 8 बजे उठते हैं इसलिए 6 बजे। आजकल के बच्चे तो 12 बजे जगते हैं। और जब स्कूल जाना होता है उस समय माता पिता और बच्चे की परेड होती है। 7 बजे बस आ जाती है जिसमें बैठकर बच्चा जाता है और माता पिता 7:45 से जगा रहे होते, उठ 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 उठ, 6:30 से 7:45 तक किसी तरह से उसको ड्रेस बनाई और उसको धक्का दिया, नहलाते धुलाते नहीं सुबह से। इंग्लिश सिस्टम में तो रात को नहा लिया जाता है। हमारा हृदय में दुर्बलता है इसलिए हम सुबह उठ नहीं पाते। वास्तव में अगर हम तीव्र साधना करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि अभाव का बोध हो। अगर हमारे अंदर अभाव का बोध नहीं है, आ जाओ
आजा, मैं आज ज्यादा नहीं बोलूंगा। अरे जी आजा, मैं आज ज्यादा नहीं बोलूंगा। हमारे जिंदगी में भक्ति नहीं आई है, जवानी में ये चीज बोध आता ही नहीं है, अभाव का बोध। बोध समझते हो हैं? ज्ञान, ये इस चीज की मेरे में कमी है। आ जाएगा, कर लेंगे। हमने भक्ति के मार्ग को स्वीकार करके भी उसको कैजुअल रखा है। बहुत काम कर रहे हैं, मीट नहीं खा रहे, शराब नहीं पी रहे, प्याज नहीं ले रहे, लहसुन नहीं खा रहे अभी, और क्या कहते हैं, काशी भी रख रहे हैं, चाय भी नहीं पी रहे, चाय भी नहीं पी रहे, लेकिन फिर भी जब बुढ़ापा आने लगता है और लगता है कि अब गाड़ी है, कभी भी हमारी छुट्टी हो सकती है, तो अभाव का बोध थोड़ा सा ज्यादा महसूस होता है। यार मर गए तो कहाँ जाएंगे, मर गए तो कहाँ जाएंगे? अभी तक क्या हमने अपने सारे पापों को क्षमा करवा लिया है कि नहीं? इतनी भक्ति हमारी स्टैंडर्ड की पहुंची भी है कि नहीं? वैष्णव बन गए, कथाकार बन गए, लोग सुनने के लिए बैठ जाते हैं, पर हमारी अपनी असलियत क्या है? तो जब अभाव का बोध होता है और उधर जीवन का मकसद जो है, प्रयोजन, प्रयोजन की हमारी छटपटाहट बढ़ती है, तो हमारी भक्ति की तीव्रता बढ़ेगी, तो भक्ति की तीव्रता बढ़ेगी। तो मैं गुरुदेव आजकल लेक्चर दे रहे हैं, जो आ रहे हैं भजन रहस्य के ऊपर, बड़े अच्छे अच्छे छोटे छोटे सिनिपेट्स हैं, सुनता हूँ, उसको मनन करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं सोच रहा था उसको आप लोगों के संग में भी शेयर करूंगा, लेकिन आज नहीं करूंगा, क्योंकि आज अच्छे अच्छे बोलने वाले आ गए हैं, मौका मिलेगा। कल तो, कल पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं, कल तो हम नंदगांव जा रहे हैं, परसों आ जाए, परसों देखेंगे। तो अभी मैं ये कृपा करता हूं कि खुद चुप होके उनको बोलने की इजाजत देता हूं। गौर प्रेमानंद, खांसी थोड़ी सी, 5 मिनट जी, मेरे को खांसी हो रही है, बोल नहीं पा रहा। कोई बात नहीं, सिर्फ गौर आरती गाऊंगा तब ठीक हो जाएगा। मेरे डॉक्टर ने बोला आपको खांसी कब आती है, मैं कहा जब मैं कथा बोलने लगता हूँ। तो बोलते इतनी बेकार क्यों बोलते हो? तो बोलते ठीक कब होती है, मैं कहा जब सिद्ध महाराज हाथ में माइक देते हैं गाने के लिए तब ठीक हो जाती है। कहते हैं वो कब देते हैं, मैं कहा कभी देते ही नहीं। छीनना पड़ता है हक। अभी मैं तो अभी अभी आया, पता नहीं क्या प्रसंग चल रहा है, लेकिन रामचंद्र प्रभु जी ने एक बड़ी अच्छी बात बताई। नहीं आ रही ना? एक बड़ी अच्छी इन्होंने बात बताई, वहीं से ही एक बात क्लिक हुई। कह रहे हैं प्याज लहसुन हम खाते नहीं, मीट हम लोग खाते नहीं, शराब सिगरेट जुआ ये सब नहीं करते, प्रतिकूल वस्तुओं को त्याग दिया है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं त्यागा। हमारी पुकार भगवान नहीं सुनते, कैसे सुनेंगे, है ना? कोई बोलता है आप बहरे हो क्या, सुनते नहीं हो, कब से बोल रहा हूं ये करो वो करो। तो भैया तुमने गौड़ी गीति को नहीं पढ़ा, जो महाजन के जो भजन है उसमें कहा षडंग शरणागति हई बेजहार ताहार प्रार्थना सुने नंद कुमार, जहां पर
छह प्रकार की शरणागति जितनी मात्रा में होती है उतनी मात्रा में ही नंद कुमार कृष्ण प्रार्थना सुनते हैं। वो क्या है? बोलते अनुकूलस्य संकल्पम, कि हम उन सब वस्तुओं को स्वीकार करेंगे जो भक्ति के अनुकूल होगी। यहीं पर नंबर कटने लग जाते हैं। प्रतिकूलस्य विवर्जनम, हर वो वस्तु जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको त्यागेंगे। अब देखो ये प्रैक्टिकल बात बता, हम लोग गुरुजी से प्राप्त जो मंत्र हैं उनको जप कर दें, हरि नाम भी कर रहे हैं, कम बड़ा जितना कोई कर सकता, परिक्रमा भी कर रहे हैं, तुलसी में जलदान भी दे रहे हैं, दामोदर व्रत सब कुछ कर रहे हैं, अनुकूल सभी वस्तुओं को कर रहे हैं, लेकिन जहां पर प्रतिकूल को त्यागने की बात आती है वहां पर बड़ा झुलसना पड़ता है मन की वृत्तियों से। वो भोग वृत्तियां जो स्थूल रूप में और सूक्ष्म रूप में दोनों रूप में विराजमान है, स्थूल रूप में ये सब मांस मछली अंडा झूठ बोलना चोरी करना इत्यादि, सूक्ष्म रूप में भी फिर सब मेरे को जाने मेरे को एक्नॉलेज करें, सूक्ष्म रूप में भी ये वृत्तियां रहती हैं। जैसे मेरे 500 शिष्य तो हो जाएं कि यदि मैं परिक्रमा में जाऊं तो कम से कम 50 आगे और 50 पीछे मेरे साथ चलने वाले हों, सस्ते में जुड़ जाए, सस्ते चलो इतना तो हो जाए पहले। आशाराम क्या, आशा ही परम दुखम। मैंने कल आज सुबह किसी से पूछ रहा था, मैंने कहा भाई कहीं कथा में किसी का नाम आशा हो तो भागवत में बोले आशा ही परम दुखम। वो तो बेचारी ऐसे घबरा जाएगी, मैं दुख हूं क्या। लेकिन एक बात बताओ, भक्ति सिद्धांत शशि ठाकुर प्रभुपाद जी ने 64 मठ स्थापित किए और कितने सैकड़ों शिष्य हुए, लेकिन उनके गुरु जी ने कितने शिष्य बनाए और कितने मठ बनाए? एक भी मठ नहीं। एक भी मठ नहीं और एक ही शिष्य, वो भी बड़ा जबरदस्ती बड़ा मुश्किल से, और ऐसे गुरु चरणों का आश्रय लिया भक्ति सिद्धांत शशि ठाकुर प्रभुपाद जी ने। चलो भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी बात को कहते थे, क्या यही एक बैरोमीटर रह गया कि किसके कितने शिष्य हुए या किसके कितने मठ हुए? नहीं, ये सूक्ष्म रूप में भोग वृत्तियां होती हैं। तो ये प्रतिकूल सब विवर्जनम, भजन का कौशल क्या बोलते हैं, निर्मस्तरनाम सताम, मेरे अंदर तो नहीं आया अभी, परे दुखे सुखी, दूसरे के दुख को देखकर मेरे को सुख लगता है, पर दुखे दुखी वाली बात नहीं हुई, अच्छा उसका ऐसा हो गया, अच्छा उसको ये हो गया, मन में थोड़ी सी ठीस हो जाती है, अरे मैं तो पीछे रह गया। तो मैं भागवत जी के दूसरे श्लोक में प्रतिष्ठित नहीं हो पाया, निर्मस्तर नाम सताम, मैं तो निर्मस्तर नहीं हो पाया, इसके लिए विलाप करना प्रातिकूल सब विवर्जनम। इसलिए साधक स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार की भोग वृत्तियों से झुलसता है उलझता है और अपने प्रयास से अपने मन को समझाए, अरे भाई क्या फर्क पड़ेगा, छोड़ दे ये सब, तुम तो इसके भी योग्य नहीं थे तब भी इतना मिल गया, गुरु कृपा समझो भगवान की कृपा समझो, लेकिन मन मानता नहीं ना, ये सूक्ष्म रूप में प्रातिकूल्य से विवर्जन। इसलिए सब कुछ हम पॉजिटिव करते हैं, भजन भी करना हरिनाम भी करना आरती भी जाना परिक्रमा भी करना सब कुछ पॉजिटिव है, जहां पर नेगेटिव की बात आती है वहां पर थोड़ा सा कमी रह जाती है,
ये तो वही बात हो गई, बटन दबाया मोटर का, टंकी में पानी भर रहा है लेकिन सारे नल खुले हैं, टंकी भर ही नहीं पा रही। भाई क्या बात है, वो तो नल सब खुले पड़े हैं, नल बंद कर दो। जब वो नल बंद होंगे एक घंटे में टैंक भर जाएगा। यहीं पर एक कमेंट है। और दूसरी बात, हमारे गुरु महाराज जी एक बात बोलते थे, बड़ी सूक्ष्म बात है। हमारे गुरु महाराज जी ने एक ग्रंथ लिखा वैष्णव अपराध, उसमें भागवत जी में और अन्य अन्य स्थान में चैतन्य चेतावत में जहां पर वैष्णव अपराध के संबंध में लिखा, उनको कंपाइलेशन किया उन्होंने, बोलते सबसे बड़ा अपराध है वैष्णव अपराध, बस उससे बच के रहना, पाप तो शम में हो जाएगा, वैष्णव अपराध शम में नहीं होता, वो भी स्थूल और सूक्ष्म रूप में आता है। तो गुरु महाराज जी ने उस ग्रंथ के पीछे, हमने उसको हाईलाइट भी किया जब हम अपने गुरु महाराज के मठ में रहते थे पब्लिकेशन में, उस समय हमने ये ग्रंथ को थोड़ा काम किया था माधव प्रिय प्रभु और मैंने, तो उसमें पीछे लिखा गुरु महाराज जी क्या कह रहे हैं कि हमने बहुत से लोग मांस खाना छोड़ देते हैं लेकिन वैष्णव बनकर वैष्णव का मांस खाते हैं। पहले तो जो मांस खाते थे वो पशुओं का, वो तो छोड़ दिया, लेकिन भक्त बनने पर वैष्णव का मांस खाया जाता है। वो कैसे, मान लो कोई भी यहां पर है, मैं रामचंद्र प्रभु की चुगली करता हूं या किसी अपनी क्रिया से इनका मन दुखाता हूं, इनका खून चलेगा ना, किसके कारण, मैं उसका कारण बना ना, मैंने इनका मांस खाया, मैंने इनका मांस खाया, इसलिए वो स्थूल रूप में मांस खाना तो हो गया छोड़ दिया, लेकिन सूक्ष्म रूप में मांस खाना आरंभ हो गया, और वो भी कोई साधारण नहीं, वैष्णव का मांस खाना, जो दीक्षित हैं, जो हरिनाम करते हैं। इसलिए इस स्तर से ऊपर उठना पड़ेगा, सब में एक गुण देखने की एक योग्यता प्राप्त करनी पड़ेगी। इंग्लिश में एक बात बोली जाती है ना, आप लोग जो इंग्लिश समझते हैं, इवन अ स्टॉप क्लॉक गिव्स करेक्ट टाइम ट्वाइस अ डे। हिंदी में मतलब क्या हुआ, एक घड़ी रुक गई 10:30 बजे, घड़ी रुक गई, बैटरी खत्म हो गई, तो घड़ी बेकार हो गई ना। बोलते उस बेकार घड़ी में भी एक गुण है कि दिन में 2 बार ठीक टाइम दे रही है वो। इसलिए बड़प्पन तो क्या है कि घृणित व्यक्ति में भी गुण देख लेना, ये बड़प्पन है। लेकिन हम लोग जो गुणवान है उसमें भी दोष देख लेते हैं, लेकिन जो उच्च स्थिति में जो श्रेष्ठ है उसकी दूर दृष्टि होती है, वो घृणित व्यक्ति में भी गुण देख लेता है और उसी गुणों को भगवान की सेवा में लगाकर उसको आगे बढ़ाता है, अग्रसर करता है। ये किसका काम होता है, ये गुरुजन का काम होता है, क्योंकि वो निर्मत्सर नाम सताम निर्मत्सर है वो। अगर हम लोग यहाँ नीचे ग्राउंड में खड़े हों और कोई ये बिल्डिंग की छत पर खड़ा हो, कौन ज्यादा दूर देख सकता है, नीचे वाला ना, छत वाला, ऊपर से गिरिराज जी का दर्शन भी होता है दूर से। इसका मतलब क्या, जितना ऊंचा उठेंगे उतनी दृष्टि सूक्ष्म होती चली जाती है और जितना नीचे रहेंगे उतनी दृष्टि स्थूल रहेगी, और स्थूल दृष्टि से भजन में उन्नति नहीं हो सकती, सूक्ष्म दृष्टि से। यही बात कल मैं संध्या के समय कह रहा था, भक्ति में मैच्योरिटी का बहुत बड़ा खेल है वो सूक्ष्म दृष्टि, वो किसकी होती है, नहीं तो एक साधारण व्यक्ति में और गुरु में क्या अंतर हुआ, वो गुरु नहीं फिर वो तो लघु हो गया। अगर उसकी दृष्टि मात्सर्य वाली हुई और उसकी दृष्टि यदि दोषी देखने वाली हुई तो वो लघु हो गया, वो गुरु नहीं है। गुरु का अर्थ ही
एक तो निर्मत्सर हो और सूक्ष्म दृष्टि वाला हो, सभी को भगवान की सेवा में नियुक्त करने वाला हो। श्री श्री विग्रह राधन नित्यनाना श्रृंगार तान मंदिर अर्चना दो युक्त भक्त जतोपि वंदे। जो अपने अनुगत जनों को सबको भी उन भगवान की सेवा में नियुक्त कर दे, इसलिए अदोष दर्शी प्रभु है ना। तो इसलिए हम सबको धीरे धीरे इस स्तर पर उन्नत होना पड़ेगा। गौर प्रेमानंद तो एक ही निर्णय पे पहुंचाऊं अपने जिंदगी के तजुर्बे से कि अगर वैष्णव अपराध से बचना है तो वैष्णव संघ छोड़ दो ना रहेगा मांस रवे गौर चंद्राय राधिकाय सदाए नहीं बैठ बैठ मैं बैठ बैठ कृष्णाय कृष्णचंद्राय भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत ही सुंदर प्रसंग छेड़ा है और अपने शब्दों में क्या कहना, ठाकुर नरोत्तम दास ठाकुर जी ने बहुत ही सुंदर शब्द में आक्षेप के साथ ये बात कही है कि गोरा पहू न बजिया मैनू प्रेम रतन दन हेलाए हराइनु विषय विषम विष सतत खाइनु गौर कीर्तन रसे मगन न होइनु सत्संग छाड़ी कैनो असत्य विलास से दोषे लागिलो ए कर्म बंद फांस। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने बड़े ही सुंदर रूप से जो रामचंद्र पूजने प्रसंग जो छेड़ा है उसके पहले का मैंने नहीं सुना क्या पूज्य महाराज जी ने बोला है। खैर जो हम लोगों की जो दुर्दशा है तो पूज्य सिद्धांति महाराज जी ने भी समझाया है कि हम लोग जुड़ते तो हैं, करते भी हैं, चलते भी हैं, किंतु चलने के बाद फिर नीचे आ जाते हैं, फिर करते हैं प्रयास, फिर बढ़ते हैं, फिर फिसल जाते हैं। तो देखा जाए तो सांप सीढ़ी वाला खेल जैसा लगता है कि थोड़ा सा चढ़े फिर 99 में ऐसा लगा कि कल निष्ठा, परसों रुचि, तरसों भावावस्था, बस मिल ही गया हमको। चार दीवारी में बैठे बैठे माला जपते जपते ये भाव जग ही जाता है कि कल निष्ठा, परसों रुचि, तरसों फिर भाव, उसके बाद महीने भर के बाद राधा कृष्ण की सेवा हमको मिल ही जाना उसके बाद, है ना। किंतु झटके में कोई एक झोंक आया और आपको कहां वहां जाना था और आपको कहां ले गया पता नहीं, फिर दोबारा संसार की तरफ फिर आपको ले गया, फिर बड़ी मेहनत से फिर प्रयास किया। तो ये जो प्रयास है ये जारी है। नरोत्तम दास ठाकुर जी ने बोला है इसके पीछे कारण क्या है, रामचंद्र प्रभु जी ने भी बोला है। तो पूज्यपाद भक्ति वेदांत त्रिवृत्तम गोस्वामी महाराज जी जो हैं वो श्री कृष्ण के जो उक्ति जो है श्री भागवत महापुराण से उसको वो बार बार कहते थे कि ततो दुस्संगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संतेवास्य चिंतन्ति मनोव्यासंग मुक्ति भी। ये इस श्लोक को बार 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 मतलब सब समय ही कहते थे समझ लो इस प्रकार से। तो इसका सार ये है कि जैसे महाराज जी ने भी बोला कि दुस्संग को छोड़ने से नहीं चलेगा, साथ साथ में सत्संग में भी मन को हमको लगाना होगा। किंतु वो सत्संग में लगाते लगाते कई बार जैसे महाराज जी ने कहा कि वो दोष दर्शन, जो मतलब महाराज जी कहना ये चाहते थे कि दोष दर्शन, वो हम दोष देखने लग जाते हैं। सबसे बड़ा ये त्रुटि है कि हम थोड़ा सा क्या फिर बढ़ गए कि अब क्या है कि सबको हम बेकार समझने लग जाते हैं। अरे सारे बेकार है, सारा संसार बेकार है, मैं ही ठीक हूं।
तो ये जब बुद्धि मन में जग जाता है कि सब में दोष है मैं ही ठीक हूं, तो समझो कि उसको अभी भक्ति शुरू ही नहीं हुआ, उसका अभी संसार में हो गया पतन। तो ये जो ये दुस्संग है, विशेष करके दोष दर्शन और वैष्णवों के प्रति वैष्णव अपराध, ये दोष बुद्धि से फिर वैष्णव अपराध आता है। दोष देखने लगे फिर दोष का कीर्तन करने लगे तो फिर वैष्णव अपराध उनमें जग जाता, क्योंकि द्वेष भावना जग जाती है। तो भगवान ने क्या इसके लिए उपाय दिया है? तो भगवान ने बोला है, और पूज्यपाद भक्तिवेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी भी कहते थे कि संत ये वास्य चिंतंती, तो क्या करो वैसे श्रेष्ठ संघ के पीछे दौड़ो, वहीं जाकर के लोटपोट खाओ, वहीं मतलब चरणों में लिपट जाओ। और वो वैष्णव हमें जैसा डांटेंगे, केवल मीठे मीठे शब्दों से काम नहीं बनेगा, तुम ठीक है, शादी हो गई, अच्छा अच्छा हो गया, बहुत अच्छा बनाया, अच्छा अच्छा अच्छा, इससे काम नहीं बनने वाला। जब तक वो डांटेंगे नहीं तब तक हम सुधरने वाला नहीं है, तब तक हम कभी जीवन में जो हमारी ये पुराने जो वृत्तियां जो हैं, ये वृत्तियों को छोड़ने के लिए हम लोग प्रस्तुत नहीं है। जब तक शासन ना हो, संत ये वास्य चिंतंती, जैसे डॉक्टर के पास जाने से डॉक्टर क्या करते हैं, जो डॉक्टर केवल मीठे मीठे शब्दों से मरम पट्टी लगाता है, समझो कभी ठीक नहीं होने वाला। जो डॉक्टर बेरहमी से कर देता है ऑपरेशन, ठीक है ना, तो स्टार्टिंग में तो दर्द होता है, किंतु वो देखा जाए तो बहुत ही जल्दी वो ठीक हो जाता है। तो ठीक वैसे ही श्रेष्ठ वैष्णवों के शासन में, उनके निगरानी में और उनके शासन में जब तक नहीं रहेंगे, ना ही हम सीरियस हो सकते हैं, ना ही जो हमारे जो दोष है वो दोष जाएगा, और ना ही हमारी ये भक्ति जो है, सावधानी से हमारी भक्ति बढ़ सकती है। तो कुल मिला के क्या है, सत्संग और श्रेष्ठ संग में हमको समय लगाना पड़ेगा। संग भी कैसे, जो हमें जो वैष्णव हमारी जिम्मेदारी लें, जो वैष्णव हमारी जिम्मेदारी लेकर के हमें डांटें, हमें शासन करें, हमें सही गलत का ज्ञान दें कि ये ठीक नहीं है, ये सही है, ये तुम इस प्रकार से करो तुम्हें सफलता मिलेगी, ये ज्ञान देने वाला साधु संग चाहिए। मीठी मीठी शब्दों से, मैं बार बार वही कह रहा हूं, मीठी मीठी शब्दों से काम नहीं बनना। जब तक हमें डांट के हमें सही लाइन पर लाने वाला, कान पकड़ के लाने वाला संत एवा से चिंदंती, चिंदंती माने छेदन करने वाला जो है, उक्ति भी अपने वाणी के द्वारा, वैसे संग नहीं मिलेगा कभी भी। ये सब दुर्बलता है, हम कभी किसी जन्म में हम छोड़ ही नहीं सकते हैं। कोई हमें जबरदस्ती छुड़ा ना दें तब तक छोड़ने को प्रस्तुति नहीं है। तो इसीलिए जब तक वैसे संग नहीं होगी तब तक हम सीरियस भी नहीं हो सकते हैं। दंडकारण्य ऋषि के बारे में जो कहा गया, 60,000 जो ऋषि लोग थे, तो गुरु महाराज जी किसी समय कह रहे थे कि दंडकारण्य ऋषि लोग गोपाल मंत्र जापते थे। तो वे कैसे जापते थे, तो गुरु महाराज जी कह रहे थे कि वो 60,000 ऋषि लोग भी हैं, हम लोगों जैसे ही जाप रहे थे, सुबह उठे मंगला किया, फिर आराम से गोपाल मंत्र जाप लिया, थोड़ी देर कथा कीर्तन कर ली, फिर पूरा दिन बैठ करके सब्जियां मन्ना करी, फिर दोपहर की मतलब प्रसाद पाया, फिर गप लड़ा दी थोड़ी सी, फिर सो गए, फिर तो जीवन मस्त जा रहा है। अरे क्या मस्त जीवन जा रहा, बस खीर राबड़ी और रोज रोज भंडारे हो रहे हैं, तो क्या जरूरत है, जब यही सब कुछ मिल रहा है तो वो गोलोक जाने की फिर क्या जरूरत है फिर उसके बाद, है कि नहीं। तो इसीलिए वो जीवन मस्त जा रहा है, किंतु जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी जो हैं वहां से वो जा रहे थे, और श्री रामचंद्र जी का वो मनोहारी, वो सौंदर्य को जब सभी लोगों ने दर्शन किया, वो दर्शन करने मात्र से ही मन में इतनी तीव्र लालसा जग गई, लोभ जग गई, तभी सबके सब मन में लालसा किया कि रामचंद्र जी जैसे ही जो गोपाल मंत्र के श्री कृष्ण हैं, कृष्ण के साथ वैसे ही सेवा का सुयोग हमें प्राप्त हो। और भगवान रामचंद्र जी ने भी उनकी लालसा को स्वीकार करते हुए बस मुस्कुरा दिया, और मुस्कुरा करके उन्होंने वरदान दे दिया
तो उनके जाने के बाद श्री गुरु महाराज जी कहते उनके जाने के बाद वो अब पहला जैसा नहीं रहा साधन अभी, क्यों? ठाकुर जी को देख लिया तो मन में वास्तव में लालसा जग गई। जब लालसा जग गई फिर क्या खाना, फिर क्या सोना, फिर क्या, फिर गप लड़ाना, फिर क्या संसारिक चीजों में कि रमना, दिन रात वो रो रहे हैं और गोपाल मंत्र को जाप रहे हैं, तब जाकर के सिद्धि की प्राप्ति हुई, तब जाकर के दूसरे फिर जन्म में गोपी के गर्भ में जाकर के तब जाके फिर जन्म की प्राप्ति हुई। तो इसलिए यही रास्ता है, वैसे लोभ ना जगे, वैसे साधु संग में, वैसे माधुर्य, कृष्ण माधुर्य के प्रति हमारा पागलपंती ना हो, ऐसी तीव्र लालसा ना जगे। हम संसार को छोड़ेंगे ही क्यों, हमारे में भीतर इस संसार को छोड़ने की लालसा ही क्यों आएगी? जब तक कृष्ण के माधुर्य के प्रति पागल ना हो जाए संसार को हम छोड़ेंगे ही क्यों, तब तक तीव्रता भजन में कभी नहीं आ सकता। ये गुरु महाराज जी का विचार है। तो इसीलिए मन में वैसे संग हो, वैसे संग में कृष्ण कथा हो, जिस कथा को सुनकर के मन में वैसी तीव्र लालसा जगे, तब देखना फिर क्या खाना, फिर क्या सोना, फिर क्या नाम करना, किसी को बोलना नहीं पड़ेगा नाम करो नाम करो, नाम हो गया कि नहीं हो गया, ठाकुर जी का दर्शन किया कि नहीं, ये सब चीज फिर बोलना नहीं पड़ेगा। वो व्यक्ति को स्वयं ही मालूम होगा मैंने क्या किया, मैंने क्या नहीं किया, क्या करने से मुझे वो चीज मिलेंगे, क्योंकि वो लोभ है ही वैसी चीज। तो इसलिए कुल मिला के वैसे संग में, वैसे लोभमयी ये कृष्ण कथा होती रहे, फिर सारी भूल त्रुटियां सब कुछ जो है साधु संग में ही, साधु जन ही हमें वो काट फाट करके सब कुछ टिक करा करके हमें जल्दी से जल्दी जो है कृष्ण के चरणों तक हमें लेके जा सकते हैं। कुल मिला के वही साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्र कहे। किंतु साधु संग में जाकर के भी बड़े हम बुद्धिमान बने, वहां भी जाके दोष देखने लग गए, खूब दोष दिखते हैं वहां भी। अरे पैसा वालों को पूछते हैं, फिर हम लोगों को पूछते नहीं है, फिर मिठाई का डिब्बा सबको दिया मुझको नहीं दिया, तो न जाने क्या क्या दोष दिखते हैं, खूब दोष दिखते हैं। समझ नहीं मिला नहीं। दो पनीर वहां दिया उसको दिया, और दो पनीर जो है हमको नहीं दिया, तो तरह तरह के दोष दिखते हैं। यदि इन सब दोषों से बच सके तो ही हमारा मंगल संभव पर है। गौर प्रेमानंदे हरि। गुरु जी पनीर भी एक दिला दी। हरे कृष्ण। अभी उधर कथा के समय हो गया है, इसलिए श्री चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर एक बात बताए, बोले कहरे ना करे निंदा, कृष्ण कृष्ण बोले अजय चैतन्य सही तारीफे कहले। इसका मतलब है कहते भगवान का एक नाम है अजय, अजय मतलब होता है जिसको जय करना बड़ा ही कठिन है, इसलिए नाम अजय। लेकिन ऐसे जो अजय जो भगवान है कहते हम उसको कैसे जीत सकते हैं? तब श्री वृंदावन दास ठाकुर बहुत एक सुंदर सूत्र बता दिए, बोले कहर ना करे निंदा, जो व्यक्ति कभी किसकी चुगली नहीं करते हैं, कृष्णा कृष्णा बोले हर समय कृष्ण नाम को जप करते हैं, बोले अजय चैतन्य सही, बोले भगवान अजय होने पर भी आप उनको जीत सकते हो, केवल एक उपाय है। इसलिए ब्रह्मा जी भगवान को स्तुति करते हुए यही बात बताए, ज्ञाने प्रयास मुदुपास्य नमंत एव जीवन्ति सन्मुख रीतम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिताम श्रुतिगताम तनुवांग मनो भी जो प्रायोस अजीत जित भी त्रैलोक्या, मतलब प्राय करके जो अजीत, मतलब प्राय करके जिनको पाना बड़ा ही कठिन है, तो उसको प्राप्त करने का उपाय क्या है? मतलब सारे ज्ञान का प्रयास परित्याग करके सन्मुख रीतम भवदीय वार्ता, जो भगवान की भक्तों की मुखार बिंद से कृष्ण कथा रूपी मंदाकिनी की नदी जो प्रवाहित तो होते हैं, उनकी चरण में बैठी करके काय मन और वाक्य को द्वारा, काय मतलब शरीर, मतलब कथा तो कानों से सुनते हैं, कहते जो शरीर से कथा सुने, मतलब क्या है? जहां पर कथा हो जाकर क्या करो, वो स्थान को प्रणाम करो, कथा में जो बैठे हुए उनको भी प्रणाम करो, और जो कथा बोल रहे हैं उनको भी प्रणाम करो, इसलिए काय
मन, और कथा कैसे सुननी चाहिए बोले मन में, बोले वाक्य के द्वारा, बोले वाक्य के द्वारा कैसे, बोले ऐसे नहीं जो कथा सुने इधर सुने और इधर निकाल कर चले गए, बोले नहीं ये कथा को सुन करके घर में जाकर के भी कथा दूसरों को सुनाना। हम कार्तिक महीना एक महीना गए लेकिन वहां से क्या श्रवण करके आए हो, एक नोटबुक रखना उसमें सारी कथा को नोट करना और अपना बच्चों को बहुओं को बच्चों को सुनाना और अड़ोसी पड़ोसियों को भी सुनाना, अड़ोसी पड़ोसियों को भी कथा सुनाना, ठीक है ना। एक नोटबुक लेकर आना रोज और उसको रोक नोट करना। कहते स्थाने स्थिता, बोले स्थाने स्थिता मतलब बोले कहाँ रह कर कथा सुने, बोले जहां पर भक्त लोग रह रहे वहीं पर रह कर वहीं पर रह करके भजन करो। जैसा ने वैष्णव नाई से स्थाने से नाई जाई किला व हटिया दूरदेश, अगर कहीं जा रहे हैं लेकिन केवल वैष्णव लोगों का संग नहीं, केवल आंखों से दर्शन करना, प्रभुपाद कहते नहीं आंखों से नहीं कानों से धाम को दर्शन करनी चाहिए। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं यदि न गृह गौर अमार जिसब स्थाने करल भ्रमण रंगे से सब स्थान हरि व अमी प्रणयी भक्त सन, तो प्रेमी की भक्तों को साथ में धाम दर्शन करनी चाहिए। अगर ऐसे अगर कोई जीवन को बिता दे तो मतलब प्राय करके जो अजीत है मतलब जिनको पाना बहुत ही कठिन है लेकिन अगर ऐसे अगर कोई भक्ति करे तो भगवान भी उसको प्रेम में फसीभूत हो जाते हैं। इसलिए जो मुख्य है भक्तों का संग करते हुए इसकी निंदा चर्चा नहीं करते हुए क्या करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरि, बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि, बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि, बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि, नितय गौर हरि बोल 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 हरि बोल, गौर प्रेमानंद हरि हरि, जय श्री श्री गुरु गोरखनंदर विकास गिरधर राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मन गुरु, जय राधा रमन राधा श्याम सुंदर राधा कुलंद राधा मंदिर की, जय जय श्री गुरुपाद पद्म की सपरिकर प्रभुपाद की, सपरिकर गौर हरि की, जय गिरिराज महाराज की, जय निताई गौर प्रमानंद। हाँ चलो कथा में सबके सब चलो, सब